नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक, द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। सो दोस्तों, अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि इंडस्ट्रीज में क्या होता, वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। स्पेशली अगर आप प्लास्टिक फील्ड से हो, आप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में या प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ों पर इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली और हर तरीके से आपको हर एक चीज़ सिखा दूंगा, आपको बता दूंगा कि चीज़ें कैसे होती। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाइएगा और साथ साथ बेल की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप नोटिफाइड रहें हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक वो एज अ नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे, जानते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। तो दोस्तों, आज सीखते हैं हम न्यूमेटिक वाल्व्स के बारे में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपकी मशीन का। न्यूमेटिक वाल्व्स मतलब न्यूमेटिक एजेक्टर हम कैसे देते हैं। इसमें आप देखेंगे तीन तरीके के सिस्टम है, वाल्व 1, वाल्व 2, वाल्व 3। तो अगर आप तीनों वॉल यूज़ करना चाहते हैं तो तीनों पे क्लिक करेंगे, और अगर आप जिस वॉल को यूज़ कर रहे हैं उस वॉल पे क्लिक करें। अगर आपको कुछ नहीं मालूम कि कौन सी वॉल पे आपका एयर इजेक्शन है, तो सिंपल जैसे वॉल 1 पे आप टिक करके, ये ब्लोअर की यहाँ पे बटन है आप देख सकते हैं, इसको आप ट्राई करिए PQRS में, मतलब चारों को एक एक बार प्रेस करेंगे, जिस जगह पे भी इजेक्टर लगा होगा आपको वो बस्ट करेगा। तो ये तब आपको करना है जब आपको नहीं मालूम। तो अगर नहीं मालूम तो आप जैसे कि नंबर 1 सेक्शन पर टिक किए, वॉल 1 पर टिक किए और इन चारों बटन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जहाँ पे आपका हल्का सा एयर ब्लास्टिंग होगी, तो आप समझ जाइए कि वो वॉल एक्टिव है इस समय। तो इसके लिए आप काफ़ी फंक्शंस देख सकते हैं, यहाँ पे कई फंक्शंस हैं, जैसे कि पोजीशन फॉर न्यूमेटिक इजेक्टर ऑपरेशन, स्टार्ट, टॉगल, अनलॉक, इस तरीके से फंक्शन है, वॉल्स दिए गए हैं, स्टार्ट, स्टॉप, टाइमिंग, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मेंशन है। आप प्रोडक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन करेंगे कि जिस हिसाब का प्रोडक्ट है, एयर ब्लास्टर्स उन प्रोडक्ट्स पर यूज़ किया जाता है जिन पर इजेक्शन कराना होता है हमें, और उसमें 3 प्लेटेड मोल्ड्स में ज़्यादातर इनका यूज़ होता है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है, ऐसे ही वॉल 2 पे टिक मारिए। अगर आपको जब नहीं पता है तो इस तरीके से हम करते हैं। आइए आपको प्रैक्टिकल एक डेमो के तौर पे दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एयर ब्लास्टर है, यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, ये इनपुट है, मतलब एयर के हम इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, और यहाँ पर नीचे साइड 2 कॉलम बने हुए हैं, तो यहाँ से हम आउटपुट के लिए अपनी एक पाइप को लगाएंगे। एयर कंप्रेसर से इनपुट जाएगा और यहाँ से आउटपुट होके मोल्ड पे जाएगा इस पाइप से। यहाँ पे एक बटन है इस मशीन पे, अगर किसी में है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, वो ऑन ऑफ होता है, टिक 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 करके उसकी आवाज़ आएगी। अब देखिए, वॉल हमें नहीं पता कौन सी वॉल पे ये फंक्शन करेगा, तो वॉल 1 पे टिक करके हम उन्हीं ब्लोअर्स की बटन जो थी हमारी PQRS उनको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें नहीं मालूम चला वॉल 1 पे भी कोई साउंड नहीं आया, वॉल 2 पे चेक करेंगे, वॉल 2 पे अगर आ जाता है साउंड तो इसका मतलब वॉल 2 पे हमें सारी सेटिंग देनी, वॉल 2 पे भी नहीं आया तो अब जो सेटिंग पे है हम वॉल 3 पे आ गए। वॉल 3 पे जैसे ही हमने प्रेस किया तो बस्टिंग की आवाज़ आने लगी, तो हल्की हल्की ब्रस्टिंग की आवाज़ आएगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं, सिंपल हमने इस बटन को जब प्रेस किया तो यहाँ से साउंड हल्का हल्का आने लगा, उस साउंड से हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी न्यूमेटिक वॉल सेटेड है। तो काफ़ी आसान प्रोसेस था, और प्रैक्टिकली करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर आइए, कमेंट बॉक्स पर करिए और टिक मार दीजिए। आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेनी तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा के हमारे साथ जुड़ जाइए प्लास्टोटेक के इस अनोखे से सफ़र में। आपको मैं ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट क्लिप्स में वीडियो सिखाता जाऊंगा, और आपको स्पेशली घर बैठे आप ट्रेंड हो जाओगे सारी चीज़ों में। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोल्ड पर हाथ वगैरह लगा के हल्का फुल्का की जो है।